तो फ्रेंड्स गेम ओवर। अब इस थंबनेल को देख के आप लोग समझ ही गए होंगे, दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ माय लाइफ। हाँ फ्रेंड्स, क्या ये एकदम लास्ट वीडियो होने वाला है? इसके बाद मैं माफ़ी चाहता हूँ, दिल से कोई वीडियो नहीं आएगा। हाँ फ्रेंड्स, क्या दिस इज द लास्ट वीडियो। मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब कि ये जो वीडियो है ये इस साल का लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अब आने वाला है 2022। तो आज है 1 जनवरी 2022। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और बार किंग ऑप्टिकल में, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए साल के साथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं हमारे इस किंग ऑप्टिकल में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो हमारा 2021 गया है बहुत ही अच्छा गया, आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिखाया इस 2021 में, हमने बहुत सारी अचीवमेंट करी। क्या आप लोगों को याद है कि इसी 2021 में जब मेरे 500 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, आज हम लोग 1300 लोगों की फैमिली। हाँ फ्रेंड्स, क्या रिसेंटली हमारे 1300 सब्सक्राइबर आज ही कंप्लीट हुए हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मेरे 1K सब्सक्राइबर भी हो पाएंगे, पर ये सभी आप लोगों के प्यार सपोर्ट से हो पाया है। तो हमने 2021 में बहुत सी चीज़ अचीव करी, जैसे कि हमने 1K सब्सक्राइबर अचीव करे, साथ ही साथ 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरा करा, और साथ ही साथ हमने बहुत सारे फेलियर्स भी देखे, सक्सेस भी देखी। मतलब हमने कि बहुत से नए नए बिजनेस में स्टार्टिंग भी करी, जैसे कि हमने मीशो बिज़नेस स्टार्ट करा, बहुत ही अच्छा चल भी रहा है, और हमने बहुत सी चीज़ें ट्राई करी पर सक्सेस नहीं भी हो पाई। जैसे हमने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने का ट्राई करा पर इतनी सक्सेस नहीं हो पाई, तो कोई बात नहीं। पर हमने इस 2021 से हमारी की लर्निंग क्या है, ये थोड़ी सी मोटिवेशन टाइप वीडियो हो सकती है, आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करूँगा। तो क्या है मेरी 2021 की लर्निंग्स, मतलब कि इस 2021 से मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी, आइए जानते हैं। चीज़ें वो है नेवर एवर फॉर एवर गिव अप। हाँ फ्रेंड, क्या इस 2021 के बीच में मेरे मन में कई बार ख्याल आया कि भाई तू YouTube छोड़ दे, ये YouTube तेरे लिए नहीं बनाए, YouTube पे तू वीडियोस क्यों डालता है। आज आप खुद ही मेरे चैनल को देखते होंगे तो मेरे चैनल पे 10 15 20 25 50 100 200 व्यूज़ आते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। हाँ फ्रेंड, क्या अब आप भी सोचते होंगे कि क्यों पागलपने करता है, क्यों इतनी मेहनत कर रहा है, फोकट ऐसा है वैसा, पर मैं सोचता हूँ कि ये मेरी मेहनत नहीं है। जहाँ मेरी उम्र के लड़के, मेरी उम्र के लोग कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ पर जाके मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा भी ये काम बनता है, मेरी भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं किसी ना किसी चीज़ में मेहनत करूँ। हाँ फ्रेंड्स, क्या इस 2021 में मैंने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, जो कि मेरी दुकान है। ये कंप्लीट दुकान को मैं ही हैंडल करता हूँ, मैं ही ऑपरेट करता हूँ, इस दुकान को मैं ही संभालता हूँ। पूरे दिन दुकान पर बैठता हूँ, उसके बाद रात को थोड़ा बहुत समय मिलता है तो आपके लिए वीडियोस एडिट करके डालता रहता हूँ। और मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आप लोगों को वैल्यूएबल कंटेंट, बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूं, क्योंकि ये मेरी दिल से इच्छा है कि अगर जो चश्मे की दुकान खोलना चाहता है उसके लिए भी पावरफुल कंटेंट लेके आऊं, जो कि ऑनलाइन बिजनेस अभी नहीं कर रहा है, अभी ऑफलाइन बिजनेस कर रहा है, उसके लिए भी पावरफुल कंटेंट लेके आऊं, और जो उसको आई ग्लासेस या सनग्लासेस कोई भी प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी मैं कंटेंट रेगुलर बेसिस पे लेके आता रहूं। इस 2021 में मैंने बहुत सी चीज़ सीखी है, जो कि सबसे पहले पॉइंट आपको बता दिया। तो सेकेंड मेरी की लर्निंग है कंसिस्टेंसी। हाँ फ्रेंड्स, क्या करत करत अभ्यास कर। आपने भी वो कहावत सुनी होगी कि पानी की बूंद गिर गिर कर एक ना एक दिन पत्थर में छेद कर ही देती है। तो वही बात मैंने सीखी है 2021 से। इस 2021 में बहुत से अच्छे एक्सपीरियंस भी रहे, बहुत से बुरे एक्सपीरियंस भी रहे, हमने बहुत कुछ अचीव भी करा, और 2021 में ही हमने बहुत से अपनों को भी खोया है। मैं जानता हूँ कि आप में से किसी न किसी के मोहल्ले में, किसी न किसी के परिवार में, रिश्तेदार में, रिलेशन में कोई ना कोई आपने अपना खोया है, ये मैं जानता हूँ और आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। तो ये 2021 हमें एक ही बात सिखाता है कि आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, आपको कितने भी ठोकर क्यों ना लगे, पर ठोकर खा के जो खड़ा हो जाता है उसी को विनर कहते हैं। हाँ फ्रेंड, क्या हमेशा एक बात याद रखना कि आपको जीवन में कितना भी धक्का लग जाए, आप लोग कुछ भी हो जाए, कैसे भी गिर जाए, पर आपको डोंट सिट बैक, ओनली बाउंस बैक, बार बार खड़े हो जाना है, बार बार प्रयास करते रहना है, क्योंकि करत करत अभ्यास कर वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। तो कंसिस्टेंसी आपको हर काम में रखनी है, चाहे आप वीडियोस बनाते हो, चाहे आप स्टडी करते हो, तो आपको आपके हर काम में कंसिस्टेंसी रखना है। मतलब करते रहिए, एक ना एक दिन तो आएगा जिस दिन आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अब तीसरी मेरी की लर्निंग इस 2021 से ये रही है कि आप लोग ना हो सके अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स फैमिली को जहाँ तक हो सके टाइम दीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि परिवार वालों के साथ समय बिताने से आपको भी माइंड खुलता है, आपके दिमाग पे जो भी प्रेशर होता है वो कम होता है। तो
मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस 2021 से मैंने बहुत अच्छी बात सीखी है। जब लॉकडाउन लगा तो मैंने मेरी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया, तो मुझे भी बहुत अच्छी फीलिंग है। मेरे ऊपर भी जितना प्रेशर, मुझे बहुत सी बार पढ़े करते वक्त, स्टडीज़ करते वक्त बहुत सी ऐसा लगता था कि भैया बहुत ज़्यादा प्रेशर आ चुका है। जब मैं अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से बात करता था तो मुझे बहुत रिलैक्सिंग फील होता था। एक परिवार ही ऐसी चीज़ है जो जीवन भर आपका साथ देंगे। हाँ फ्रेंड्स, क्या एक परिवार के लोग ही ऐसे लोग हैं जो आपका जीवन भर साथ देंगे? बाकी दुनिया में कोई आपका पूरी लाइफ टाइम तक साथ नहीं दे सकता। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा, ये 2021 से मेरी यही सीख रही है कि बी विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपके परिवार के साथ रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ रहिए, जब भी उनके सुख दुख, अपने सुख में अपना सुख बांटिए, अपने दुख में अपना दुख उनसे बांटिए। तो इस तरह से जीवन में खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। और आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। हम लोग स्वागत करते हैं 2022 का एक नई एनर्जी, नई उमंग के साथ। और मैं आपसे वादा करता हूँ, हमने जो ये सीरीज़ चालू करी है MMC मिशो मास्टरी सीरीज, इसमें मैं आपके लिए कंटिन्यूस बेसिस पे वीडियोस लेके आता रहूँगा। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं किसी नई धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।